भाई गली गली में में तो तो अंधेरा ही हो रहा है। रात भी हो चुकी है काफी ज्यादा रात। हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सही होंगे। तो गाइस, आज है नई साल और आप सभी को मेरी तरफ से सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। तो 2023 आ गया है हमारा नया साल। तो इस नए साल को हमें क्या करना है ये तो आगे की पता नहीं है, लेकिन देखते हैं क्या करना है क्या नहीं, और चलते हैं कहीं घूमने भी अगर प्लान बना तो। वैसे कहीं मैं घूमने नहीं जा पा रहा हूँ क्योंकि पर्सनल प्रॉब्लम हो जाती है थोड़ी। तो अब सोच रहा हूँ मैं कहीं आज देखते हैं, अगर चलते हैं ना तो फिर अपने आराम से कहीं यहीं कहीं अपने घूमेंगे टहलेंगे अपना आराम से मूड फ्रेश करेंगे। तो गाइस, मेरी मम्मी ने बनाया गाजर का हलवा और हर साल तो वैसे मैं गाजर का हलवा बनाती हैं तो उसे ही खाता हूँ मैं। देखिए ये दिल तो आराम से ही तो हमेशा लैपटॉप में लगा रहता है। तो मेरा गाजर का हलवा देखो मैं लेके आया था और इसने खा लिया, मैं लेके आया और उसने खा लिया। गाइस देख लो, ऊपर चल रहे हैं, ऊपर बच्चे भी हैं। अबे क्या हो रहा है? कहाँ जा रहे हो? बोल तो दिया था तुमने। मैंने ही बोल दिया था सबको, लेकिन मेरे लिए तुम कुछ लेने लेके आए। कोई बात नहीं, मैं दूंगा ना। गाते हो? ये गा रहा गरीब का गाना। मैं गरीब हूँ बेटा, मुझे दो तीन रोटी दे दो बेटा। फाइनली गाइज, मेरी तरफ से भी वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर और 2023 मेरी तरफ से आपको सारा साल खुशियों का जाए। तो मम्मी जी ने गाजर का हलवा बनाया था, मैंने खा लिया, काफ़ी टाइम हो चुका है। अब मैं थोड़ी सी साइकिल चला लेता हूँ, मेरा मन भी नहीं लग रहा है। तो गाइस, मैं अभी साइकिल चला रहा था, भैया बोल रहे हैं चल कहीं घूमने चल ले, एक घंटे आगे ये घूमने के लिए बोल रहे हैं, मैंने कही चलो। तो गाइस देखो, भैया पड़ोसी बुला रहे हैं अपना दोस्त को, देखना अभी वो बुला रहे हैं, पता नहीं क्या कह रहे हैं, काय के लिए बुला रहे हैं। देखो ये एक लड़के को बुला रहे थे, वो आया ही नहीं, उसने गेट लगा लिया, उधर आया नहीं अभी। तो गाइस इनका तो पोपट हो गया, इनने उसे बुलाया था, वो आया ही नहीं। हम दोनों का ही पोपट हो गया, दोनों का ही पोपट हो गया, इग्नोर कर दिया उसने, तो वो आया ही नहीं है अभी तक। फाइनली गाइस वो तो आया नहीं है, काफ़ी टाइम तक इंतजार करा। अरे देखो कैसे कर रहे हैं, चलो चल नहीं रहे कहीं घूमने चल ले ना, तुम बोल रहे हाँ तो चलो चल ले। फाइनली गाइस घर से निकल चुके हैं घूमने के लिए। अबे भाई हम घूमने तो आए लेकिन जा कहाँ रहे हैं, कोई नाम भी तो होगा। आई डोंट नो, मुझे खुद पता नहीं है मैं कहाँ जा रहा हूँ, मतलब ऐसे ही न्यू वरना जा रही है, न्यू वरना कहीं होगी, चलने तो जहाँ जा रही है साइकिल हमें लेकर। तो भाई रात होने लगी है और हम ऐसे ही डोलते जा रहे हैं और हमें यही पता नहीं है कि हम जा कहाँ रहे हैं, कुछ पता नहीं, बस मार्केट तक जा रहे हैं और मार्केट में तो बैठ जा रहे हैं, मार्केट में कहाँ तक जाएंगे कुछ पता नहीं, फिर वहाँ से फिर वापस हो लेंगे, खा लेंगे। आधी किलोमीटर तो दूर आ ही गए हैं भाई साइकिल से, आज पहली बार आया हूँ मैं साइकिल से। तो गाइस अब लेंगे चाउमीन और चाउमीन हमने ले ली है। तो फाइनली गाइस जब हम जा रहे हैं घर, 1 किलोमीटर दूर आ गए थे और अब घर जा रहे हैं, मतलब मैं ऐसे ही मतलब साइकिल से ही आए 1 किलोमीटर दूर तक। और देखो मैं भी ना खड़ा हूँ, देखो मैं भी ना ऐसे ही खड़ा होकर आया हूँ। तो अब घर जा रहे हैं, रात भी हो चुकी है, काफ़ी ज़्यादा रात हो गई है, देखो कितना अंधेरा है। तो गाइस रात तो वैसे भी हो ही चुकी है, हमने सोचा मैंने कि चलना चाहिए, वैसे भी मैं बहुत टाइम हो चुका था क्योंकि हम वैसे भी रात को ही आए थे और रात को ही जा रहे हो, मतलब शाम ऐसी रात भी नहीं कह सकते उसको, तुम बस टाइम पे पहुंचना चाहिए घर पर। तो गाइस वैसे भी तो इस टाइम तो वैसे भी हमेशा हर किसी को घर जाना चाहिए, पहुँच जाना चाहिए, क्योंकि पता ही होगा जब रात हो जाती है तो सर्दी के टाइम में तो भाई इतनी सर्दी तो वैसे ही पड़ती ही है और हालत ख़राब हो जाती है इस टाइम अगर कोई घर पर पहुँचे अपने अपने। वैसे भी रोड पे ना मैं तो भाई गली में तो अंधेरा ही हो रहा है, ये केड़ा भाई कितना कुछ नहीं दिख रहा है।
वहाँ से ऑक्सीजन मिल गया। गाइस हम तो घर आ चुके हैं, सो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। सो गाइस दिलीप तो कर रहा है पूजा और फिर इसके बाद फिर खाना वाना खाना है। तो गाइस मैं इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करता हूँ। सो लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़। सो बाय।